गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साहिल खान फ्रॉम मिरर न्यूज। आज हम यहाँ सभी उपस्थित हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि डिजिटलाइजेशन आने से हमारी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव आए और इसके हमारी जिंदगी पे किस तरीके के प्रभाव आए। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं श्री राहुल कुमार और श्री आशीष कुमार। राहुल कुमार इस टॉपिक के फेवर में बोलेंगे और आशीष कुमार इस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलेंगे। पहले पक्ष को बोलने के बाद दूसरे पक्ष को मौका दिया जाएगा। तो पहला सवाल हम करते हैं राहुल कुमार से कि क्या समझते हैं आप डिजिटलाइजेशन आने से जिंदगी में क्या बदलाव है, हमारी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव है। धन्यवाद इस सवाल के लिए सोहेल भाई। मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटलाइजेशन आने से हमारे देश में बहुत सारी तरक्कियाँ हुई हैं। किस तरीके की तरक्कियाँ? तरक्कियाँ आपको बता रहे हैं, जैसे आज हम डिजिटल पोर्टल के माध्यम से हमारे छात्रों को और किसानों को, फिर कोचिंग संस्थानों को, शिक्षण क्षेत्र हो चाहे तो बिजनेस के क्षेत्र में हो, हर प्रकार के क्षेत्रों में काफ़ी तेजी आई है, काफ़ी सुधार आई है, जिसमें समय की बचत, मतलब कम समय लेने का मतलब है कि काफ़ी तेजी से जो काम पहले काफ़ी समय लेकर जो काम किया जाता था अब वो तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब रही बात की इस तेजी के फायदे से आज हमारा देश तरक्की भी कर रहा है। आज कम अधिक समय नहीं, कम समय में अच्छी अच्छी चीजों को वो चेस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग डिजिटल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी घर बैठे अच्छे अच्छे शिक्षकों के माध्यम से कर रहे हैं, और उसके बाद अच्छे अच्छे धंधा हम लोग कहीं भी डिस्ट्रैक्ट भी तो हो जा रहे हैं ना, ऑनलाइन काफी तरह की चीजें। देखिए, अगर आप अगर ये बताना चाहते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हाँ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिर्फ कमियां ही हैं। आप इनके फायदे देखिए, कमी के फेवर में मत जाइए, फायदे देखिए पहले। किसी चीज को अगर की कमियां होती हैं तो उसके फायदे, तो सर आप जब तक पॉजिटिव वे में नहीं लीजिएगा उसे तो कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले आपके माइंड को पॉजिटिव करना होगा, जब पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव में ही फायदे हैं। जैसे देखिए, अगर आप कहते हैं बच्चों की सवाल लाते हैं कि टीचिंग लाइन आने से बच्चों में आप कह रहे हैं कि कमियां आ गई, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज देखिए गार्जियनों पे आज बच्चे आसानी से कर ले रहे हैं लर्निंग अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, अच्छे अच्छे शिक्षक आपको ऑनलाइन मिल जा रहे हैं। कहीं दूर रहकर तो पढ़ाते थे आप, उसके पास जा नहीं पाते थे, उसके लिए आपके पास पेमेंट नहीं था, आसानी से आप गेम कर पा रहे हैं, उस चीज को आप गेम कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत रहते हैं क्या, इनकी बात सही है क्या, बच्चों को काफी फायदा हो रहा है? फायदा देखिए, किसी चीज का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। और मैं जानना चाहता हूँ अगर ऑनलाइन जैसे ये बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई से काफी फायदा होता है, लेकिन आप क्या उन बच्चों से एक बार फिर से पूछ सकते हैं कि अगर जो वैसे बच्चे हम लोग अभी इस एज में हैं कि जिस एज में हम लोगों ने वैसे बच्चे को भी देखा है जो ऑफलाइन पढ़ाई करते थे और आज वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाकर फीडबैक लीजिएगा तो उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई ज्यादा पसंद आती थी। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाई में ये था कि बेझिझक बच्चे क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते थे। आज कभी नेटवर्क की गड़बड़ियां आ जाती हैं, नेटवर्क की ये प्रॉब्लम है, इस चीज को ठीक करना। और भी क्या दिक्कत है कि जब बच्चे पढ़ते हैं ठीक है तो उन्हें टीचर सजेस्ट करना, तो ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में जो आपका एडवर्टाइजमेंट भी होता है ऑनलाइन का, वो भी ऑनलाइन होता है, तो उस जगह पे मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि क्या ये फीडबैक ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी रिव्यू दिया जाता है उस पर हम ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। कितने बार मैंने पर्सनली फेथ करके देखा है वो जेन्युइन नहीं होता, तो मेरे हिसाब से तो ये ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ रहा कि अब आप बैठ कर घर बैठ करके आप काफ़ी सारी चीज़ों का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या वो जेन्युइन वे में हम लोग वो कोर्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन में हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ाई करते वक्त हम लोगों ने अंडरलाइन करके पढ़ाई किया है, ये किया, वो हम लोग डिजिटलाइजेशन में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे सही तरीके से। आशीष जी, राहुल जी, आपसे एक और सवाल है कि डिजिटलाइजेशन आने से हमारी जो देश में किस तरह की तेजी आई है, इकोनॉमी में किस तरह की तेजी आई है? देखिए, अगर आप डिजिटलाइजेशन में तेजी देख रहे हैं, इकोनॉमिक में भी तो काफी तेजी आई है, काफी ग्रोथ किया है। किस तरीके से आप बता रहे हैं, किस तरीके से? जैसे हम किसी भी चीज को आसानी से खरीद पा रहे थे, पहले हम किसी चीज को खरीदने के लिए यहाँ से हम किसी के मतलब कि एक रिटेलर रखते थे, किसी के माध्यम से जाकर के खरीदना पड़ता था, आज हम यहाँ घर बैठे किसी भी चीज को ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, टाइम तो बचत हो ही रहा, साथ साथ आप अपने मन पसंद से आप घर बैठे किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही है, आप देख पा रहे कि सामान सही है या गलत, ये आपको मिल पा रहा है। आप उस सामान के लिए आपके पास समय देना होता था, आप दिल्ली जाते थे अच्छे दुकान के लिए, आपको दिल्ली जाना होता जी, आप मुंबई जाकर के कपड़े के लिए जाते थे, आप गुजरात जाकर कपड़े खरीदते थे, लेकिन वो गुजरात की कंपनियां आपको यहां से दिख रहा है,
आप यहाँ से कर रहे हैं, आप इस कपड़े को गेन कर रहे हैं, मोबाइल को गेन कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप प्रोडक्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेल्स लगेगा। मतलब कहना आपका ऑनलाइन शॉपिंग। जी बिल्कुल, एक क्लिक से जो सबसे पहला ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। आप चले आइए, आप ऑनलाइन शॉपिंग तो ये हो गया अपनी बात, लेकिन आप आइए, आप जैसे एक बच्चे है स्टूडेंट, फिर आपको उसी टॉपिक पे लेके चलते हैं। एक बच्चे है, अभी आशीष जी ने बोला कि वो बोले कि देखिए आप बच्चे को पढ़ाई के माध्यम समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल किसी चीज की शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगी, जब उसमें आप जाएंगे आदत डाल दी होगी, आप उस आदत क्या होता है आप उसको समझिएगा, जब तक अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं खींचेगा तब तक आपको उसी समझ में नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, आप उस चीज के प्रति आप आत्मसमर्पित होइए, आप अच्छे से उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जरूर वो समझ में आएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, यही बात कहती है। समय काफी क्लिशियस होता है, अगर बच्चों का समय कोशिश करने नहीं चला जाए तो वो फिर लर्निंग कब करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज जो इन्होंने बताया कि हम लोग ऑनलाइन बैठ करके सूरत से, गुजरात से, दिल्ली से, कहीं से भी, कहीं की भी शॉपिंग हम लोग कर पाते हैं जी। तो मैं इससे थोड़ा डिसएग्री हूँ, क्योंकि आज हमारे बिजनेसमैन काफी सारी जगहों से, दिल्ली से सामान ला करके हमारे शहर में बेच रहे हैं, गुजरात से सामान ला के हमारे शहर में बेच रहे हैं, तो वो ऑफलाइन ही बेच रहे हैं। प्लस कहने का मतलब है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं, उनका वही मैं बता रहा है कि जो लोकल्स जो ये चीज को बेच पा रहे थे, लोकल्स जो एक आप सपोज कीजिए कि एक कपड़े, एक कोट है, ठीक है, वो एक कोट दिल्ली का बना हुआ कोट वो ऑनलाइन दिख रहा है, ऑनलाइन वो 2000 में दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे बिजनेसमैन उस चीज को यहाँ ला करके 2200 रुपए में बेच रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए 2200 रुपए में तो एक कंज्यूमर के लिए वो महंगा पड़ रहा है, बट कंज्यूमर का एक सेटिस्फेक्शन जो 2200 रुपए पे करने के बाद है, जो 2000 पे करने के बाद है, वो काफी है, काफी फर्क है। क्योंकि आप जब डिजिटल, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप कपड़ों का केवल आप कलर देख सकते हैं, उसकी डिजाइन देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी आप कभी नहीं देख सकते, मतलब उसका फैब्रिक हम टच करके देख सकते हैं, उसकी इमेज देख सकते। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है कपड़े लेने समय सबसे पहला जरूरी है कि आप सेटिस्फाई आप होने चाहिए। हम लोगों ने कितने बार ऑर्डर डिजिटलाइजेशन से मनुष्य को बेवकूफ बना जा रहा है, इस बात से आप सहमत हैं? इस तरीके से जैसे आज हमने कितने बैंक फ्रॉड, बहुत बड़े 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 फ्रॉड हो रहे थे, देखिए मैं तो कहूँगा जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा जब तक इस धरती पे गुणवत्त जिंदा है चालाक को कभी कभी किसी चीज का कदम माना, इस बात से सबसे पहली बात आपसे सबसे पहली बात ये भी मानी, गलतियाँ कल भी हो रही थी, नुकसान कल भी हो रहे थे, नुकसान आज भी हो रहे हैं, अब किसी चीज को किसी माध्यम से जोड़ देना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। सबसे पहली बेवकूफी तो यही कि आज डिजिटल हुआ से ना लोग हैकिंग का जमाना है। पिछले बीते हुए समय में थम्पिंग की जमाना था, आपसे अंगूठा लगवा लिया जाता था, आप देखे हुए जमींदारी प्रथा थी, थम्पिंग लगवा दिया जाता था, आपको पट्टे भी दिया जाता था, तब फ्रॉड नहीं था तब भी फ्रॉड था, उस जमाने था कि नहीं था, उस जमाने में भी जाइए पीछे देखिए आपका पास्ट कहाँ है, फ्यूचर चले जा रहे हैं, फ्यूचर आप देखिए कहीं ना कहीं पीछे से की हुई गतिविधि पे ही नजर आ रहा है, फ्रॉड होना और फ्रॉड करना और खुद से फ्रॉड हो जाना तीनों में काफी अंतर है। आप देखिए आप अपने आप को ठगी का शिकार कब महसूस करते हैं, जब उसके बारे में आप जानते नहीं, जानते या जानना नहीं चाहते, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इस वजह से समय बेवकूफ बना है। बिल्कुल, आप सबसे पहली बात किसी भी चीज के लिए आप नॉलेज गेन कीजिए जी, उसके बारे में जानिए, उसके बाद उसमें हाथ बढ़ाइए, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि हर जगह आज ऑनलाइन जो काम हो रही है, जो भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से काम हो रही है, उसके लिए हर जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त करके आज एक अच्छे बिजनेस कर सकते हैं आप। जैसे कि आशीष भाई ने बोला बिजनेसमैन के लिए काफी नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, लोकल बेच नहीं पा रहे, बाहर से आकर के वो बेच दे रहे हैं, बाहर से आके वो बेच दे रहे हैं, तो बड़े हाई रेट पे, जैसे सर वो जो बड़ी कंपनियां हैं हम छोटे का ही मुनाफा बढ़ा देती है, नहीं सर हम छोटे का ही दिमाग यूज कर रही है, वो जो बड़ी कंपनियां हैं हम और आप जैसे ही लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, हमारे भी भाई काम कर रहे हैं, जाकर के वहां काम कर रहे हैं, और वही लोग जाकर के बड़ी कंपनी को फायदा, अगर वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए और अपने घर में वो प्रोडक्ट उत्पादन करे, आपकी सरकार आपको लोन दे रही है, आप उस लोन के माध्यम से अपने आप अपने प्रोडक्ट को गेन कीजिए, काहे नहीं आप भी कीजिएगा, आप भी ग्रोथ कीजिएगा, समाज में आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी और आप भी अच्छे हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब किसी इंसान का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा तो वो खुद ग्रो करेगा, खुद ग्रो करेगा। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए इकोनॉमिकली कंडीशन पे तो मैं आता हूँ, बात क्या है कि हमारे डिजिटलाइजेशन होने के कारण काफी सारे लोग हैं जो वो जॉबलेस हो गए, और जो जॉब में है भी वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्यों?
क्योंकि आए दिन डिजिटलाइजेशन में कारीगरों के हाथ काट दिए डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है कि इतने तेजी से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जिसे वो ह्यूमन लोग आसानी से कैच नहीं कर पा रहे। आज अगर कुछ एक्सेल पे पहले काम होता था अब उस ईआरपी को हटा के किसी और ईआरपी पे काम किया जा रहा है। काफी सारे कंप्यूटर मतलब इतने सारे जॉबलेस लोग हो रहे हैं। आपको पता है कि कोविड के बाद कितने सारे लोगों को जॉब से निकाला गया। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आप लोगों को ही पता है कि ईआरपी में टैली होता था, ओरेकल होता था, ये सारे ईआरपी होते थे जो कि चार पांच ईआरपी एक इंटरप्राइजेस में काम करते थे। अभी क्या है कि अभी एक ईआरपी है जैसे भी उसी पे काम होता है। वो ईआरपी एक अकेला ईआरपी एक बंदा जो है वो उस पे ऑपरेट करके 20 बंदे का जॉब लेकर जा रहा है। फ्रॉड हो रहा है मतलब? फ्रॉड का नहीं, नहीं, नहीं फ्रॉड नहीं है। तो ये क्या है कि सही आप अपनी विचारधारा बताएं, क्या समझते हैं इस चीज से? देखिए जैसे पहले क्या होता था, टैली होता था, एक्सेल होता था, ओरेकल होता था। ओरेकल का काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता था, टैली का काम ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए किया जाता था, और एचआर डिपार्टमेंट अपना एक्सेल पे काम करते थे या कोई भी अपना अलग अलग करते थे। अभी क्या है कि एसएपी ईआरपी है, ठीक है, वो ईआरपी क्या कर रहा है कि वो ना टैली पे एक्सेप्ट कर रहा है ना वो ओरेकल पे एक्सेप्ट कर रहा है। वो एक अकेला ईआरपी है जो कि सारे ईआरपी पे काम करता है। ठीक है, अगर आपने टैली में कुछ अपडेट किया तो उसको अपडेट करने के लिए ओरेकल पे अपडेट करने के लिए अलग बंदे की जरूरत पड़ती थी। एसएपी में क्या है कि आपने एक बार अपडेट किया हर डिपार्टमेंट में वो अपडेट हो गया, जिस वजह से रोजगार चला गया। यही कहना चाहिए। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे कि डिजिटलाइजेशन से हमारी सभ्यता में क्या बदलाव आया? जैसे हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, भारत की सभ्यता। जी बिल्कुल, सवाल है आपकी सभ्यता बिल्कुल कहना जायज है आपकी कि हमारी सभ्यता जो है काफी पुरानी है। हम उस देश में हैं जहां आज भी माँ बाप बूढ़ों की बहुत इज्जत की जाती है और मेहमानों को भगवान कहा जाता है। बिल्कुल ये बात से मुकरा नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं, इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी तो आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन से कहीं ना कहीं समाज पे प्रभाव, आपको लगता है कि समाज पे काफी प्रभाव पड़े, बच्चे यूनिक हो गए हैं, समाज यूनिक हो गया है, आपको ऐसा लगता है? तो समाज यूनिक नहीं हुए, लोग जैसे से जिस समाज में अगर डिजिटलाइजेशन यहाँ से बढ़ रहा है तो लोग जैसे यूनिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस माध्यम में जिस समाज में पढ़ रहे हैं तो समाज कहीं ना कहीं आपको उसका एक हिस्सा बना, तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, चलते ही आएगी। तो ये जब कदम ब कदम आप चलिएगा तो आपको कहीं ना कहीं उस गतिविधि से तो जुड़ना है। आप कहा गया है जैसा देश वैसा देश, जैसा देश जैसा देश वैसा देश, जिस प्रकार का देश ग्रो करेगा उस प्रकार से नहीं चलिएगा तो आप तो पीछे रह जाएगा। अब बताइए आप रेस में चल रहे हैं, लाइफ इज ऑल्सो अ रेस। देखो अगर आप रेस में चल रहे हैं, अब रेस में चल रहे हैं उसके पीछे आप खड़े रहिएगा तो रेस में जो चल रहा है वो तो भाई जीतेगा, सिकंदर कहलाएगा, रुके हुए आदमी कभी सिकंदर कहलाएगा, कछुआ खरगोश वाली रेस जीत जाएगी। हां अजीत जी आपसे एक सवाल है कि जैसे ऑनलाइन आने से बच्चों में जो अश्लीलता टाइप के कंटेंट्स आते हैं उसके बारे में आपका क्या विचार? बच्चे उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पढ़ाई की ओर से उनका ध्यान भटकता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान भटकता है, और आप जो चीज़ें उनको उस उम्र में देखनी चाहिए वो उम्र से पहले थे। बहुत सही बात है ये, हाँ उम्र से काफ़ी पहले और ये बहुत डिजिटलाइजेशन में मिलता है बात करने की, लोग इस पर बात करने से ऑकवर्ड फील करते हैं ना, लेकिन आप इस पर देखिए डिजिटलाइजेशन से क्या हो गया है कि पहले जो हमारे पास जो फोटोज़ वीडियोज़ होते थे वो फोटोज़ वीडियोज़ हम लोगों के पास हार्ड कॉपी में हुआ करते, आज क्या है कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज में होते हैं, तो सॉफ्ट कॉपीज में होने के कारण वो लीक करने का या फिर जो हैकर्स लोग जो है और जो थ्रेट दिया जाता है लड़कियों को कि मैं ये अपलोड कर दूंगा ये कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो के लिए काफ़ी ब्लैकमेलिंग काफ़ी तेज़ी से होती है और लोग इससे डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक बार ये अपलोड हो गया तो फिर इसे वापस ले आना, बच्चों के मुद्दे पे ना, बच्चों को इस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो तो उनका ब्लैक, तो बच्चे उसी चीज़ को तो यूज़ कर रहे हैं ना, बच्चे उस चीज़ को गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं जो टीनेजर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात, हाँ टीनेजर्स के लिए उन्हें मतलब काफ़ी संभल कर चलना होगा डिजिटलाइजेशन के साथ, उन्हें काफ़ी संभल कर उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलना तो चाहिए दुनिया के साथ में, लेकिन डिजिटलाइजेशन से इस जगह पे तो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा। हमारे बच्चों पे और उससे बड़े हुए उन पर भी तो असर पड़ रहा है ना इस चीज़ का। हाँ बड़ों पर भी असर पड़ रहा है, ऐसी बात है कि हाँ बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं, बड़े से ही सीख रहे हैं, अगर बड़े कर रहे हैं तो वो बच्चे भी सीख रहे हैं इस चीज़ से। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि समाज में हमारे महत्वपूर्ण है डिजिटलाइजेशन? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, समाज में डिजिटलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डिजिटलाइजेशन होने से आज हमारे समाज
तो ग्रोथ कर ही रहा है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं मिला जुला के एक ही जगह पे आएगा। अब समाज ग्रोथ कैसे नहीं कर रहा है, आप बताइए। पहले हम किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए जब कोई घटना घट जाती थी तो हम उस घटना की सूचना देने के लिए 3 दिन पहले निकलते थे और 3 दिन में उस व्यक्ति का काम तमाम हो जाता था। आज उस चीज को सूचना देने के लिए हम तुरंत एक कॉल लगाते हैं, मिनटों में सेकंडों में काम, जो काम घंटों में दिनों में नहीं होता था वो काम आज सेकंडों में हो रहा है। सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप देखिए कि जिस काम के लिए आप मेहनत करने के लिए आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप IAS IPS की तैयारी करने के लिए आप दिल्ली जाते थे, आप दृष्टि या दृष्टि IAS जिसकी नाम काफी है विकास दिव्यकृति की, आप उस उन टीचर को आप अभी यहाँ डिजिटल के माध्यम से आप अपने घर में बैठ करके बेहतर सुविधा, जो डिजिटल का सुविधा हो गई है, नेटवर्किंग सुविधा भी काफी बार हो गई है, जिसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे लर्नर्स को अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोज उनकी पढ़ाई 5G आने से फायदे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल फायदे होंगे। जैसे ही देखिए फायदे तो होना ही है, अब वारे तो हमारे फायदे के लिए है जी। आप इतना जान लीजिए कोई भी चीज सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश की बुराई हो और बुरे के लिए हम काम करें, क्योंकि वो जनता का सेवक है। इतना जान लीजिए सरकार जो है जनता का सेवक, जनता का सेवक। अब जनता का सेवक है तो जनता के भला के लिए सोचेगी, जाहिर सी बात है, और जनता की भलाई के लिए ये सोच रही है और ये काम बिल्कुल कर रही है, ठीक है। तो सरकार ये देखिए ये योजना जब से डिजिटलाइजेशन योजना जो है, हम बता दें आपको कि 1 जुलाई 2014 से इस योजना का शुरुआत हुआ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये उनके अधिकतर योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है डिजिटलाइजेशन, जिन पर उन्होंने काफी अच्छे से काम किया है और अभी तक काम कर ही रहे हैं। इसके लिए हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए हम सब को काम हुआ है। देखिए कहा बात की डिजिटलाइजेशन एक गवर्नमेंट का चीज़ है, तो मैं इसे डिसाइडिंग करता हूँ। डिजिटलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट का चीज़ नहीं है। डिजिटलाइजेशन आना या 5G आना या इस तरीके के टेक्नोलॉजी आना, सरकार को बढ़ावा देगी तभी ना वो चीज़ें आएंगी। मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे, सरकार बढ़ावा दे रही है लेकिन सरकार के कारण ये आ रहा है, इस चीज़ से मैं डिसाइडिंग करता हूँ। शायद वो थोड़ा असर कर रहे होंगे इस जगह पे। और रहा बात की जो लोग आप ये बोल रहे हैं कि हमारे सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे सोशल लाइफ भी टोटल डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग बड़ी की इज्जत करते हैं, तो पहले हम लोग बड़ी की इज्जत सामने से दिखा के किया करते थे, पहले बच्चे वहां से बातें किया करते थे, लेकिन अब हम लोग अपने माँ बाप की बात है, हम लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग या जो भी होता था वो बोला करते थे। आज क्या है कि आज हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उस पर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, होम ग्रुप पे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, लेकिन कभी कॉल करके या फिर कभी सामने से बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को एक घर में रहते हुए लोगों को बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं तो नहीं समझ रहा कि डिजिटलाइजेशन से लोग सोशल हो रहे हैं, लोग तो और सोशल भूल रहे हैं, वो तो केवल सोशल मीडिया ही सोशल, लोग खुल मिल रहे हैं डिजिटलाइजेशन से या दूर होते जा रहे हैं अपनों से ही। देखिए समय की आप बचत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूर आपको लगता है कि हम दूर हो रहे हैं, एक घर में रहकर के हम अपने बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने व्यवहारों में फर्क आने लगा है। फर्क इस प्रकार से आने लगा, आपको लगता है कि फर्क आने लगा है, आप अपनी समाज को देखते क्यों नहीं है। आप अपने आप पहले नंबर देखिए, किसी भी चीज को चेंज करने से पहले किसी को नजर को आप चेंज कर सकते हैं, नजरियों को नहीं चेंज कर सकते। आप नजर को चेंज कीजिएगा, नजरियों को चेंज नहीं कीजिएगा। आपके पास एक मोबाइल है, आप उस मोबाइल फोन को, आपको मोबाइल फोन पिताजी ने आपको पढ़ने के लिए दिया, आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर और आपके पिता के गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि बच्चे भटकते हैं तो वो गाइडेंस पर डिपेंड करते हैं कि आपके गार्जियन किस प्रकार से आपको गाइडेंस के लिए दिए हैं, आपने उन्हें क्या संस्कार दिया। देखिए आप शिक्षा कहीं खरीद सकते हैं, बिकता है, लेकिन संस्कार कहीं बिकती नहीं है। संस्कार दुकान और बाजार में आती है, हमारे घर में मिलती है संस्कार, और वही संस्कार बच्चे को पॉजिटिव वे में लेकर जाता है और बच्चे को दृढ़ संकल्पित बनाता है, और ये कंटेंट संस्कार को बदलते नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आप कहते हैं कि अच्छी चीज भी तो है, उस पर बुरे चीज की ओर क्यों जा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं अच्छी चीज भी है, सरकार ने इतने अच्छे अच्छे चीज दिए हैं, आप उस पोर्टल पे जाइए, इतने अच्छे अच्छे चीज आए हैं, क्यों नहीं आप उस अच्छे पोर्टल को खोलते हैं। आप बुरे के प्रति क्यों जाते हैं। उस डिजिटल माध्यम का दौर है, एक सेकंड, वो डिजिटल दुनिया है, इसका दौर है, या फिर आज जो हम वो चीजें कर रहे हैं किस तरीके से। देखिए आज हम उस चीजों को काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जो चीज उन चीजों को समझ गया है, जो डिजिटल के माध्यम को महत्व को समझ गया है कि डिजिटल है क्या, उसके महत्व को जो चीज समझ गया है, या फिर वो जो एप्लीकेशन जो डिजिटल सर उसकी फॉल्ट, उसमें गार्जियन का फॉल्ट है कहीं ना कहीं, जो डिजिटलाइजेशन संस्कारों को ही बोल रहे हैं, नहीं संस्कार को ही आप दोष दे सकते हैं। सबसे पहली बात आप उस गार्जियन को दोष दे सकते हैं जो गार्जियन कैसे बच्चे को इंप्रूव कर रहा है। आप बताइए आप एक छोटे बच्चे हैं, बच्चे माँ बाप से अगर दूर रहते हैं तो वो भटक जाते हैं, ठीक है,
आपकी कह रहा कि बच्चे माँ बाप से दूर रहते तो बढ़ जाते हैं, जो संस्कार उनको बचपन से दिया जाता है उस पर वो नहीं चलते, नहीं चलते हमेशा। अब ठीक है, आपका कहना है कि बच्चे जब डिजिटल से दूर रहते हैं तो बच्चे अच्छे रहते हैं, डिजिटल के पास आते हैं तो बच्चे खराब हो जाते हैं। जी मैं कहता हूँ इसका कोई उदाहरण आपके पास नहीं, बल्कि मैं उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, आप दो बच्चे को ले लो, हम तीन भाई खड़े हैं बैठे हुए हैं एक पास। अब बताइए, तीन भाई बैठे हुए, तीनों भाई के पास मोबाइल मिला हुआ है, तीनों भाई डिस्कस के लिए किसी चीज पे टॉपिक पे है। अब तीनों भाई में पता है दो भाई का माइंड पॉजिटिव चल रहा है, नहीं हमको अच्छा करना है। एक भाई को आज से कुछ होने वाला नहीं है। अब बताइए, जो भाई पॉजिटिव लेके चल रहा है वो डिजिटल से कुछ सीखा या नहीं सीखा? सीखा उसने। अब कैसे सीखा? वो उसके प्रति समर्पित हुआ तब सीखा या नहीं समर्पित हुआ तब सीखा? उसके लिए खुद को निरझावर किया उसने, किया। तो कहीं ना कहीं आप डिजिटल को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब कोई कहता है कि कैसे आप डिजिटल को दोषी ठहराएगा, बताइए, हम आपको प्रूफ कर दिए। जी आप बताइए कि तीन भाई हम लोग स्टडी के लिए बैठे, एक भाई ने कुछ गेम चालू कर दिया, उसको लगा क्या है डिजिटल, क्या ऐसा कुछ नहीं, बकवास है, समझे बात को। दो भाई उसको समझ गया कि नहीं, ये समय है, काफी महत्वपूर्ण समय है, इसके बाद मुझे टाइम मिलने वाला नहीं है, ये अगर निकल जाएगी, ये ऑफर निकल जाएगी मेरे हाथों से तो हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। क्या क्या है कि लोग जब एक पहले क्या होता था, पहले जैसे वो बोले कि गार्जियन लोगों बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो उसे कैसे यूज करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पहले बच्चों को किताब दिया जाता था, आज के डेट में फोन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये गलत। पहले बच्चों को किताब दिया जाता था, आज फोन दिया जा रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो फोन केवल एक पढ़ाई के काम में आए ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता है, ठीक है। और बच्चों का दिमाग काफी ज्यादा, मतलब काफी बैकेंड होता है उनका दिमाग, उनका दिमाग कब किस तरफ चला जाए ये कोई नहीं जानता, होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनके दिमाग पे उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। अब वो बच्चे पढ़ाई करते वक्त कभी गेम के तरफ चले जाते हैं, क्या इसमें संस्कार आते हैं? संस्कार देखिए, अब एक गार्जियन पूरे समय एक बच्चे को संस्कार नहीं देते रह सकता है, क्योंकि उसकी और भी कोई बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, मतलब बच्चे घर से दूर रहते हैं तो संस्कार से दूर होते हैं, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत, बच्चे घर से दूर होते हैं संस्कार से, घर पे रह करके वो पढ़ाई उस तरीके का उनका फ्रेंड सर्कल बनता है, उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। और अभी दूसरा मैं एक बात कहूंगा, और जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो जब गेम खेलते हैं, एक तो माइंड उनका डाइवर्ट हुआ गेम खेलते हैं, उसके बाद जो उस पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट भी उस लाइक नहीं होते जो उन्हें संस्कार की तरफ जाए, संस्कार के तरफ, संस्कार बनाने के लिए ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। मैंने आज तक ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा जो लोगों को ये बताया कि आप अपने बड़ों की इज्जत करो या फिर जरूरतमंद की मदद करो, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। पर ये ऐसा एडवांटेज, ऐसा प्रचार जरूर आता है कि आप रमी खेल सकते हो, ये करो, पैसा कमाओ, ये करो, ड्रीम इलेवन खेलो। वो शिक्षा की ओर खींच करने के लिए जाते हैं वो चीजें, वो एडवर्टाइजमेंट। और अगर शिक्षा की ओर ले भी जाते हैं, ठीक है, आप अनअकैडमी ज्वाइन करो, ये करो, अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए भी क्या चाहिए? फीस चाहिए जी। तो लोग अच्छा, बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को दिमाग जिस चीज में रिलैक्स लगेगा वो वही काम करेगा। बच्चों को रिलैक्स लग रहा है गेम खेलने में, वो गेम आसानी से कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इंस्टेंट प्लेजर, खुशी मिल जाती है तो सबको अच्छा, सबको अच्छा लगता है, इंस्टेंट प्लेजर सबको अच्छा लगता है। आज जो हमारे डिजिटलाइजेशन आने से हमारे समाज में, हमारे एनवायरमेंट में क्या असर पड़ रहा है? देखिए काफी बुरा असर भी हो रहा है इसका। देखिए मैं तो आपको अच्छाई बताऊंगा, बुराई की ओर तो सबको लेके जाता है, लेकिन मैं आपको अच्छाई बताता हूँ जी। बुराई बताने वाले बहुत मिल जाएगा, लेकिन अच्छाई सुन लीजिए आप। देखिए जब डिजिटलाइजेशन होता है तो आप जो अभी डिजिटलाइजेशन हुआ इसे हम बहुत सारे ऐसे चीज जिसके बारे में नहीं जानते उन चीजों को भी हम जानना शुरू कर दिए। आज डिजिटल होने से हम बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनको देख पाते हैं, यंत्रों का खोज हुआ है ना, बहुत सारे मशीनों का खोज, यंत्र हमारे लिए खतरनाक भी हो जाते हैं। यंत्र हमारे लिए, आप उसके उपयोग पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं, आपके यूज पे डिपेंड करता है। किसी भी तरीके कोई भी यंत्र हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी चीज अगर ज्यादा देर रखेंगे तो नुकसान है, तो नुकसान है, मतलब आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर आप, लेकिन चीजें नुकसान तो पहुंचाती है, कम की पहुंचे, अगर जो आपको पॉजिटिव दे रही है उससे निगेटिव है, इसके लिए आप कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग सोचेंगे तो हर एक चीज में पॉजिटिव निगेटिव है, क्योंकि एक लाइट भी चलती है, बल्ब भी चलती है, तो प्लस और माइनस से चलती है। जब तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करेगा तब तक कोई उपाय नहीं है, का संगम होना ही जरूरी है। इसलिए आप ये नहीं मुकर सकते हैं कभी कि ये इसमें अच्छाई है तो इसमें बुराई नहीं, बुराई है तो अच्छाई नहीं है, इसमें मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन हम बता सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने से आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत तरह की रेडिएशन निकलती है, पक्षी जो मर रहे हैं, क्या इन चीजों को रोकना चाहिए? रोकना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो छोटे थोड़े बहुत नुकसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
सीधी सी बात। देखिए ये थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है, हमारे गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक मूवी भी देख रखी है, जो अक्षय कुमार की एक मूवी थी लेकिन हमारे साथ आखिर ये नुकसान एक जीव चीजों के साथ ही क्यों हुआ? ठीक है, पक्षी है, उनकी भी कोई लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ स्पेंड करने आए हैं हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ को हम लोग नजरअंदाज करके केवल अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। ये कोई अभी जो हम लोग ये जो आप फायदे दिखा रहे थे कि डिजिटलाइजेशन होने से हम लोग सोशल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये सोशल फिर आखिर कहाँ गया? जब हमारी अपनी फायदे की बात आई तो हम लोगों ने वो सोशल को साइड कर दिया, उसके ऊपर में कोई बात भी नहीं करता। रेडिएशन से काफी सारे पक्षी, काफी सारे जीव जंतु को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तरह की तकलीफें आ रही हैं। हाँ। पहले पक्षी माइग्रेट करके आते थे हमारे टाउन में भी आते थे, विलेज साइड भी जाते थे, अब हम लोग तो वो चीज तो भूल ही गए जो बचपन में देखा करते थे, अब तो वो दिखता ही नहीं, वो पक्षी ही नहीं दिखता, तो वो सब चीजों को हम लोग काफी मिस करते हैं। उन पक्षियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, क्योंकि आज जो हमारा अस्तित्व था, हमारे जो पक्षी थे वो चले गए। देखिए, पक्षी कहीं ना कहीं दूर तो गए हैं और हमारे जीव जंतु पे इस पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। जीव जंतु पे काफी गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन उन जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए काफी योजनाएं भी आई है, उससे बचने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए काफी सारे काम हो नहीं कर रहा है। अब बताइए, सही काम नहीं हो रहा, सही काम हम लोग को मिलकर करना होगा। अब जब तक हम लोग सही काम, सरकार क्या करेगी? आप बताइए, एक कंपनी का आप मालिक बनिएगा तो कंपनी क्या करती है? किसी को प्रोडक्ट से सरकार इस चीज में सहयोग कर रही है, सहयोग कर रही है सरकार। अब सरकार सहयोग करिए, आप उस तरीके को किस तरह से अचीव कर रहे हैं वो हम लोगों पे डिपेंड करता है ना, हम लोग अचीव कैसे कर रहे हैं। एक टीचर अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा किस तरह से गेन कर रहा है, उनकी गतिविधियों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। अब शिक्षक बार बार पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ना, तब क्या करेंगे आप? जो बच्चा पढ़ने के लिए वो मान ले, जो मान ले कहा जाता है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत, ठान लिया तो जीत। यहाँ तो हम लोग अपने जीवन से ही हार रहे हैं ना। यहाँ क्या है कि एक तो इन्वायरमेंट पे असर, इन्वायरमेंट के असर के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि हम लोग उस चीज को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जो क्लाइमेट का जो साइकिल हुआ करता था, जो रेन आता था, जो विंटर होता था, जो समर होता था, उसके साइकिल में काफी चेंजेस आई है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कि हमारे जीव जंतु का काफी सहयोग होता है ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि जब यहाँ से माइग्रेट करके चले जा रहे हैं तो वो मिल नहीं पा रहा हमें। उसके बाद डिजिटलाइजेशन आने के कारण जो रेडिएशन काफी सीरियस हो रहा है, उसके कारण उन्हें जंगलों से भी भागने को मिल रहा है। पेड़ क्योंकि बहुत जरूरी होता है, पेड़ रेडिएशन को ले लेता है, पूरे धरती पे रहे, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए? पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं, पेड़ों के बिना हमारा कोई अस्तित्व। डिजिटल युग जो आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पक्षी मर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं किस तरीके से इस चीज को ठीक किया जा सकता है? आप दोनों के हम विचार होंगे किस तरीके से हमारे इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, हम और आप मिलकर के ठीक कर सकते हैं जी। सबसे पहला, पेड़ जो कट रही है, वो कटती हुई पेड़ को हम सबसे पहली बात जनजीवन फॉरेस्टर, हाँ फॉरेस्टर, आज सरकार भी कर रही है योजनाओं के तहत, आप जल जीवन हरियाली, आप इस चीज को बचाइए। कम से कम पेड़ काटा जा रहा है, उसकी जगह पेड़ लगाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है, आज हम लोग पेड़ लगाने के बजाय उसको उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन लाया गया है। क्योंकि पहले पेड़ों का उपयोग डिजिटलाइजेशन से ही तो प्रॉब्लम हो रही ना। अब देखिए, टावर लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को टावर लगाने के लिए काटा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर उस पेड़ को लगाना भी तो चाहिए, और जिस जगह से काटा जा रहा है अगली जगह लगाइए आप, रेडिएशन और इंक्रीज हुआ तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी इस हद तक इंक्रीज कर जाए, उस रेडिएशन को कम करके, और हमारी टेक्नोलॉजी जो 5G है, 6G, 7G, 8G जो भी है, बट उससे हमारे एनवायरमेंट को कम से कम असर हो सके, मतलब पेड़ लगाए। हाँ, टेक्नोलॉजी को रोके या पेड़ लगाए, आप किस चीज से आगे बढ़े? नहीं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में रोके,
टेक्नोलॉजी के लिए अपनी प्रोस और कॉन्स होती है। अगर टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हम लोग भी वैसे ही बेजान की तरह हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी उसके साथ कैसे चलना चाहिए ये हम लोगों को सीखना चाहिए। और रेडिएशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, जो थ्रेड वगैरह है, जो डेटा की जो चोरी वगैरह हो रही है, उस चीजों पे कैसे अंकुश लगाया जाए, इस चीजों पे हमें विस्तार रूप से हमें सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इसके साथ चल सकते हैं। तो आपने डिजिटल युग की खूबियों को और खामियों को जाना, किस तरीके से डिजिटल युग हमारे लिए हानि भी पहुंचा रहा है और हमें फायदे भी पहुंचा रहा है, इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और हमें समाज आज में एक बदलाव लाना होगा इसके लिए, और एक संस्थान बनाया जाए जिससे हम इस बच्चियों को पढ़ने से बचा सकें और हम अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ा सकें। इस डिबेट का यहाँ एंड होता है और इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आशीष जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और राहुल जी का।